महाराज की गुरु सुंदेव महाराज की जय जय श्री राम। ओम ज्ञान दिव्य ज्ञान जन सलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पति गोपीशकांत श्री राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधिकाहरिणी वृषभाय सुत प्रणमामि हरि सनातन प्रभु दुर्गत जन दयावलोक रघुनाथ दास श्रीजीवन कृतमंदमतीदेव करुणानिधान तमालवर्णम सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामि भागवतम् स्वरूपम् जन प्रभजन्त मनुपेतमपेतकृतम् द्वैपायन विरहता तर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द सभी पर हाथ उठाइए। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद ब्रह्मा नित्यलीला ब्रह्मिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद ब्रह्मा नित्यलीला ब्रह्मिष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। अब भी बात मत करो, देखो हमारे गुरु जी कहते थे अगर कथा सुनना तो आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा, समझ रहे हो? क्योंकि आप जिसको जानते हो फिर बात करने लग जाओगे, इसलिए कथा सुनना तो जिसको जानते हो उससे अलग हो जाओ फिर कथा सुनना।
ठीक है। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण इंद्र पूजा बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन को पूजा करवा, क्योंकि यदि कृष्ण गिरिराज पूजा क्यों करवाए इसका चार कारण होता है। यदि अगर हमारी कोई इच्छा पूरी कर सकता है, हमारी झोली को कोई भर सकता है, श्री गिरिराज, इसलिए इनका नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता। मतलब है आप जो कुछ श्री गिरिराज से मांगो, गिरिराज तुम्हारी झोली को भर दे। इसलिए सब कुछ जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कृष्ण उसको पीछे 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 घूमते हैं, इतना कष्ट करके ये मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये क्या मांगेगा। आपके लिए सही घटना सुना रहा, कोई एक लड़की थी एकदम लंबी, वो जन्म से कभी चलना सीखा नहीं, कभी चल नहीं पाती थी, जैसे अभी पुरुष तो महीना हो रही है। आप गिरिराज में जाओगे तो लाख लाख लोग को परिक्रमा करते हुए देखो। अभी उसने अपना पिता माता को बोला मेरे को गिरिराज में ले चलो। अभी पिता माता उसको गिरिराज की तलहटी में ले गए और वहीं पर रह दिए। हजार हजार लोग गिरिराज की जय जयकार करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। अभी उसकी मन में भी हुई परिक्रमा करने के लिए, लेकिन वो तो बचपन में लंगड़ी है, वो चलना सीखी नहीं, लेकिन सबको देख करके उसकी मन में इच्छा हो रही थी मैं कैसे परिक्रमा करूँ, मैं कैसे परिक्रमा लगाऊँ। ऐसे इच्छा करते करते उसने चलना शुरू कर दिया और उसने श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा उसने लगाई, जो बचपन से कभी उन्होंने चली नहीं। अभी भी वो लड़की पूरा नियम बना ली जो गिरिराज ने ही मेरी इच्छा पूरी की है, अभी सारा दिन गिरिराज की परिक्रमा करते रहते हैं। इसलिए गिरिराज की ऐसे कृपा है जो असंभव है उसको श्री गिरिराज संभव कर सकते हैं। जिसकी संतान नहीं संतान प्रदान करते हैं, जिनकी बिजनेस नहीं चल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, गिरिराज की परिक्रमा लगाओ उसकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो कुछ मांगो श्री गिरिराज से गिरिराज सब देते हैं। लोग ऐसे परिक्रमा नहीं लगाते, अब जाओ 12 महीना वहाँ देखोगे गिरिराज की 56 भोग 12 महीना वहाँ लगता है श्री गिरिराज। इसलिए पहला कारण है कहते मांगना तो जिसको तिसको पास में मत मांगो, झोली फैलाना तो कहाँ पर फैलाओ, जो श्री गिरिराज गोवर्धन से फैलाओ, वो तुम्हारी सारी इच्छाओं को वही गिरिराज ही पूरी करेगी। इसलिए कृष्ण इंद्र की पूजा बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई, इसलिए गिरिराज की इतने महिमा है। सारा दुनिया वाक्य बिहारी की पूजा करता है, लेकिन वाक्य बिहारी किसकी पूजा की, गिरिराज। सारा दुनिया वाक्य बिहारी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसकी परिक्रमा लगाए, गिरिराज। अपना राधा जी को साथ में, अपना सखियों को साथ में, कृष्ण स्वयं गिरिराज की परिक्रमा लगाए, इसलिए गिरिराज की इतने महिमा है। बस गिरिराज बाबा इंद्र देखा, हर साल ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, देखा इसी साल तो कोई पूजा के नाम करते थे भी नहीं। उसने एक दूत को भेजा देख करके आओ तो इस साल ये ब्रजवासी मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे। देखा कृष्ण इंद्र के लिए जो मालपुआ पकवान राबड़ी रसमलाई बनी थी और इंद्र एक साल से इंतजार कर रहा था आज बढ़िया खाना मिलेगा, लेकिन वो सारे कृष्ण खाने को लेकर के श्री गिरिराज की पूजा करवा रहे हैं। उसने इंद्र को जा करके बोल दिया, इंद्र को तो बड़ा क्रोध है, कृष्ण को गाली देने लग गया, बोले ये ब्रज को मैं सत्यानाश कर दूंगा। उसने संवर्तक में 49 कवर को बुलाए, बोले ब्रज में ऐसे ओले गिराओ हाथी के सूंड के जैसे मुसल धारा से बारिश करो, जैसे ब्रज नाम का कोई गांव नहीं रह जाए। अभी तो ब्रज में प्रलय आ गया, ब्रज में सारे ब्रजवासी कृष्ण को पास में गए, बोले कृष्ण देख तेरे बात सुन करके हम लोगों ने इंद्र पूजा बंद करवाया, देखो ये क्या हो रहा है।
कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो, हम सबके सबसे गिरिराज की पूजा की, गिरिराज हमारी लाज बचाएगा। चलो सबके सबसे गिरिराज की तल्ले की भर चलते हैं। जैसे एक छोटा बेटा एक छतरी को उठा दे, ऐसे ही कृष्ण से गिरिराज को मैंने उठा दिया। हम कहते हैं ना, अरे मेरे लिए कि कौन सा बड़ी भारी काम, हम तो उसको उल्टा हाथ में कर सकते हैं। बल उल्टा हाथ नहीं, सबसे छोटे अंगुल नहीं, उनके नाक को ऊपर से गिरिराज को उठा लिया। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, आ जाओ सबके सब गिरिराज की तलेटी में आ जाओ। सारी ब्रजवासी आ गए। मैया जसोदा तो कन्हैया को बारंबार मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाएगी, और हाथ को है मालिश कर रही थी। आपको बताए 5 मिनट ऐसे हाथ को रखो तो 5 मिनट रख सकते हो, किसी तरह से रखोगे लेकिन हाथ दुखने लग जाएगी। लेकिन कृष्ण ने कितना दिन तक धारण किया? 7 दिन तक। गिरिराज कितने बड़ी थी, कौन कौन परिक्रमा लगाए हो? आप लोगों को पता होगा गिरिराज कितने बड़े थे, हैं 21 मील, और उन्होंने 21 मील गिरिराज को 7 क्रॉस 7 3, और कृष्ण का उम्र कितना था? 7 7 7। इतने बड़े गिरिराज को उन्होंने उठा ली। इंद्र तो उसने जी जान उसने लगा दी, बोले गिराना वज्रपात शिला वृष्टि मुसलधारा जैसे बारिश हो रही थी। जब 7 दिन तक पूरा ताकत लगा दी, एक दूत को भेजा देख करके आओ ये ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत केवल ऊपर ऊपर देख करके चला गया, बोले महाराज पर ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब समाप्त। और एक दूत को भेजा, तू देख कर का, वो तो ऊपर ऊपर से देख कर गया था, वो नीचे आया देखा एक चिट्ठी तक भी नहीं, वहां का धूल उड़ रहा था। और सारे ब्रजवासी कृष्ण का मुखों को दर्शन करते हुए, वहां तो होली मच रही थी। बोले आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। ब्रजवासी होली मचा रहे, गा रहे, नाच रहे, कीर्तन कर रहे, सबके सब आनंद में मस्त हैं। इंद्र ने देखा, भैया ये कौन है? ध्यान लगा करके देखा, देखा ये तो मेरे प्रभु हैं। बलि महाराज इंद्र को भगा करके
इंद्र के सिंहासन को दखल कर लिया था। ठाकुर ने ही वामन अवतार में फिर उन्होंने बलि को अपना राज्य दिया, ये श्री इंद्र को राज्य दिया है। बोली ने तो मेरे प्रभु कृपा करके इन्हें इंद्रपद को दिया, मैं तो इंद्रपद ही छीन गया था, लगता है मेरी अपराध हो गया, अभी क्या होगा, अभी मेरी क्या होगी। उसने अपना अमरावती जहाँ पर इंद्राणी को साथ में विश्राम करता है सोने के लिए गया तो उसको नींद ही नहीं आई, सोचा तो गया मेरी इंद्रपद है। फिर अपना गुरु जी को पास में, बृहस्पति को पास में गए, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे बात, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले फिर बोले ब्रह्मा जी को पास में चलो, जब ब्रह्मा जी को पास में गए बोले तुमने सत्यानाश सर्वनाश कर दिया। ये कृष्ण ऐसे एक अवतार है, ये 33 करोड़ देवता जिनकी चरण में नाग रगे, मैं भी स्वयं जिनकी चरण में नाग रग रहा है, मैं भी बड़े बुरी तरह से फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले एक दिन कृष्ण एक आभास रूप में बैठ गए, विशाल अजगर सर्प बन करके आया था, और भगवान जब उसको वध की, अभी सारे देवता लोग कृष्ण की जयकार दिए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। अब ये जयकार धीरे 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 पहुंचा ब्रह्मलोक में। मैंने देखा भैया ये सारे देवता जय जयकार क्यों कर रहे हैं, अभी मैंने ब्रह्मलोक से उतर करके आया, देखा कृष्ण का उम्र 5 साल का था, इतना बड़ा राक्षस को उसने वध किया। और एक आश्चर्य घटना देखा, जब कृष्ण उसको वध किया ब्रह्मतल फट गए और एक ज्योति जाकर के आकाश में मंडरा रहा था। कृष्ण जब अघासुर का मोह से निकले वो ज्योति आकर के कृष्ण का शरीर में समा गया। मैंने कहा भैया ये देखो, जिसमें ये ब्रह्म ज्योति भी समा गया। मैंने थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण की जो बछड़ा सखा थे, कृष्ण सखा को साथ में भोजन कर रहे थे, मैंने उन्हें सखा और बछड़े को मैंने चोरी कर ली, देखता हूँ आगे क्या होता है। जब चोरी करके एक गुफा में बंद करके मैं जब ब्रह्मलोक में गया, वो ब्रह्मलोक पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए मेरे रूप धारण करते हुए। और मेरे जो दरबार थे वो बोले देखो, मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहुत बहुरूपिया को घूमते हुए, अगर कोई आए ना घुसने मत देना, कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके मेरे आसन पर बैठ गए। जब मैं स्वयं गया मेरे जो नौकर लोग थे मेरे को तो डंडे लेकर के मारने लगे, पर वो तो सही कह रहे थे तू कहाँ से आ गया। मैंने कहा भैया मेरे नौकर मेरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, क्या बात है। तब मेरे सिंहासन में बैठा कौन? देखा भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके बैठे गए। फिर ब्रह्मा जी गए और यहाँ आए, गए और आते आते हो गया 1 साल। 1 साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे वैसे ही बछड़े सखाओं को साथ में प्रभु लीला कर रहे हैं, कृष्ण अपना शरीर से ही बछड़े सखाओं को सृष्टि की। मैंने कहा भैया ये सत्य ना, ये कौन है, ये कौन और ये कौन है। जब मैंने दोनों तरफ में 4 सर है जब दोनों तरफ में देखा, कृष्ण दिखाया देखो ये बछड़े सखा कौन है, मैं तो एक नारायण के नाभि कमल से मेरी सृष्टि हुई। देखा जितने वहां सखा और बछड़े थे ये सब के सब चतुर्भुज नारायण। फिर तो मैं समझ गया भैया ये तो मेरे प्रभु जी की प्रभु जी की प्रभु जी है। फिर मैंने बहुत नाग रगड़े प्रभु के चरण में, प्रभु मेरे को माफ कर दो, प्रभु मेरे को माफ कर दो हैं। तब ब्रह्मा जी भगवान को बड़ी सुंदर सुंदर श्लोक में स्तुति करते हैं। हम 1-2 श्लोक सुनेंगे, आप ध्यान के सुनो, बहुत अच्छी बात वो बता रहे हैं। बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभि जे प्रायस अजितो जितो अपि स्त्रैलोक्या। यद भगवान का एक नाम है अजित, अजित मतलब है जिनको जितना का जिनको पाना बहुत ही कठिन है। प्रश्न है
अरे वो क्या भय मिलते नहीं थे, अजित मतलब है जिसको जितना बड़ा कठिन है। क्या प्रश्न है क्या फिर आपको मिलेंगे नहीं? बोले हाँ वो मिल सकते हैं। बोले कैसे मिलेंगे? बोले सबसे पहले ज्ञान प्रयास उपास्या। हमारी जो विद्वता जो बुद्धि है, कभी कभी हमारे मन में बड़ी अभिमान आ जाता है, हम क्या कम जानता हूँ। अरे हमने PhD की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर किया, मैंने बहुत बड़ा साइंटिस्ट ही हूँ, बड़ा अभिमान है हमारे अंदर में। ब्रह्मा कहते भैया तू तो साइंटिस्ट ही सी है, इंजीनियर बना। कहते मैं कौन हूँ? ये दुनिया को जो सृष्टि करने वाला हूँ, तेरे को जो सृष्टि करने वाला हूँ। बोले तुम्हारा कितना सर है? बोले एक। बोले मेरे कितना सर है? बोले चार। इसलिए ब्रह्मा जी लास्ट में बताते हैं ये पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं। बोले प्रभु तेरे माया को कोई नहीं गिन सकते हैं, तेरी महिमा को कोई नहीं जान सकते हैं, हैं? इसलिए देखो आपकी छोटी सी स्टोरी सुनो। एक समय ब्रह्मा जी के मन में बड़ा अभिमान आया। बोले क्यों? क्योंकि ये 14 ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, अगर आपका कोई छोटी मोटी कोई दुकान हो, मान लो उसमें 100 लोग काम करते हैं, जैसे अभी समझो जैसे टाटा बिरला रिलायंस अंबानी, आप देखो रात में उसको नींद आती कि नहीं। इतने छोटी कोई बिजनेस होगा, लेकिन जिसने ये संपूर्ण ये ब्रह्मांड को भूर भूग मोह जन तप सत्य अतल बीतल तलातल तलातल पाताल, ये दुनिया को जो देखने वाले, आप समझो उसकी कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितने दायित्व नहीं होगा। एक दिन ही ब्रह्मा जी के मन में बड़ा अभिमान आया। बोले मैं इतना बड़ा ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, लेकिन मेरे को प्रभु कभी बहावा नहीं देते। ब्रह्मा जी तो इतना बड़ा काम करते, शाबाश है, थैंक यू। कम से कम मेरे को थैंक यू तो कभी कोई बोले, लेकिन वो भी कभी मेरे को बोलते नहीं। ब्रह्मा जी देखा अगर एक महीना के लिए मैं छुट्टी ले लूँ ना, जब कृष्ण को स्वयं करने पड़ जाए फिर पता चलेगा उनको मैं कितना बड़ा काम करता हूँ। एक दिन ब्रह्मा ये सोच करके भगवान कृष्ण को पास में आए। बोले प्रभु मेरे को एक महीना छुट्टी दे। ब्रह्मा जी सोच रहे थे अगर मैं बोलूँ एक महीना के लिए छुट्टी दो, ठाकुर तो कुछ ना कुछ बोले तो भैया इतना दिन क्यों छुट्टी ले रहे हो, दुनिया को जो सृष्टि करने वाले थोड़ा कम दिन तो ले लो। ठाकुर तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन कृष्ण सीधा बोल जाए कोई बात नहीं तो एक महीना छुट्टी ले। जब मैं छुट्टी लेकर के आ रहा था, मैं तो सोच रहा था यही ब्रह्मांड ही सबसे बड़ा ब्रह्मांड है और मैं ही जगत का मालिक हूँ जिसका मेरा चार ही सर है। जब मैं वापस आ रहा था देखा 8 सर वाले ब्रह्मा हंस वाहन को बैठ करके बड़ी तेजी से आ रहा था। मैंने कहा भैया ये कहाँ से आ रहा, ये इसका 8 सर वाले ब्रह्मा जी उसको रोकने के लिए कोशिश की। बोले भैया तुम बता तुम कहाँ से आ रहे हो, तेरे ब्रह्मांड कौन सा? उसने कहा मेरे पास तो कोई समय नहीं, पीछे ब्रह्मा जी को पूछो। फिर देखा 16 सिर वाले ब्रह्मा जी, उन्होंने कोशिश की उसको रोकने के लिए। बोले भैया मेरे पास में समय नहीं, पीछे ब्रह्मा जी को पूछो। देखा उन्होंने 32 सिर वाले ब्रह्मा जी, उससे जब रोकने के लिए कोशिश की उसने कहा भैया मेरे पास में समय नहीं, पीछे ब्रह्मा जी को पूछो। फिर देखा 64 सर वाले ब्रह्मा जी, ऐसे 1000 सर वाले ब्रह्मा जी, और जिसको रोकने के लिए कोशिश करना कोई भी रोकने के लिए तैयार नहीं। बोले भैया ये सबके सब कहाँ से आ रहे हैं सब ब्रह्मा? और जो लास्ट में जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने बड़ी कष्ट से उन्होंने उनको रोका। बोले भैया तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी हो, बताओ आप कहाँ से आ रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम जिस ब्रह्मांड की ब्रह्मा है ना, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, तू सबसे छोटा ब्रह्मा है। भगवान की एक एक लोम रूप में जिसको वेद कहता है, बोले जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटीसु अशेष वसुधाति विभूति वीरनम, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। बोले जिनकी एक एक लोम रूप में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड एक एक लोम रूप में विद्यमान है भगवान की, और तुम सबसे छोटा ब्रह्मा हो,
और इतने सारे ब्रह्मांड बड़े हैं और ब्रह्मांड भी इससे बड़े हैं, बोले फिर तुम जा रहे हो कहाँ? बोले एक दिन हमारे मन में अभिमान आ गया, हम इतने बड़े ब्रह्मांड का मालिक, दुनिया को सृष्टि करते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी मेरे को थैंक यू कभी बोले बाबा नहीं थी। हमने सोचा एक महीना हम छुट्टी लेकर के देखते हैं, जब प्रभु को करना पड़ लग जाए ना तब उनको पता चलेगा। फिर खैर बोले जब हमने एक महीना छुट्टी लिया ना पूरा नौकरी से गई, हमारी पूरी छुट्टी हो गई और नौकरी नहीं मिल रही है हमें। बोले फिर तुम जा रहे हो कहाँ? बोले हमें पता चला है और भी कोई एक ब्रह्मा जी के मन में अभिमान आया और उसने छुट्टी लिया, तो अभी उसका पोस्ट खाली है, हो सकता है हमें वो पोस्ट मिल सकती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। इतने में जो चतुर्मुख का ब्रह्मा था ना सर पकड़ कर बैठी, बोले गया मेरी नौकरी तो गई है। भगवान की ऐसे अद्भुत माया है, इसलिए जिनको माया को समझना साधारण बात नहीं है। इसलिए अभी ये ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु हमारी अंदर में जितने अभिमान है सारे अभिमान को पहले छोड़ो, छोड़ करके क्या करो, भक्तों को चरण में बैठ करके उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की नदी जो बहती है उसका अंदर में गोता लगा दूंगा। और भगवान ने जो स्थिति में तुम्हें रखे हैं, अगर किसको भजन करने के लिए बोलो ना, बोल अभी समय नहीं हुआ है, अभी हमारी भजन का समय नहीं है, जब सबको सब सेटअप कर लेंगे ना फिर जा करके भजन करेंगे। बोले बताओ दुनिया में कोई सेटअप हुए हैं? अपना किचन को सेटअप सेट कर लिया, डाइनिंग रूम को सेट कर लिया, किचन सबको सेट कर लिया, लेकिन बोले मनी अब सेट है, हाँ सब सेट है मनी। जब ये सारे काम को जब निपटा लेंगे ना फिर तो जा करके भजन करेंगे। बोले तुम स्वयं निपट जाओ लेकिन तुम्हारे काम को नहीं निपटेगा नहीं। अभी दुनिया में किसका काम निपटा है बताओ, किसका काम निपटा है? सामने एक समस्या, सोचते हैं अगर ये एक समस्या दूर हो जाए ना भैया आप चैन मिलेगा। देखना प्रैक्टिकल रूप में एक समस्या तो दूर हुई नहीं, सामने तीन समस्या खड़ी रहती है। जैसे मकड़ जैसे जाल बनाते हैं ना, बनाते बनाते पूरा उसमें ही प्राण खत्म। इसलिए ब्रह्मा जी कहते स्थाने स्थिता, भगवान तुम्हें जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रह करके भगवान की भक्ति करते रहो। भगवान की भक्ति करोगे तो ठाकुर जी कहते ना मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारी तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा, तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहो और भले जीवन में अगर कोई दुख कष्ट आ जाए, जीवन में कोई भी क्लेश कोई कष्ट आए, कहते किसी को पर दोष मत लगा, अरे अम्मू का वजह से ऐसे हो गया, उसने मेरे साथ में ऐसे किया, उसने मेरे साथ में ऐसे किया। ब्रह्मा जी कहते कोई भी किसी को साथ में कुछ नहीं करते, हमने जैसे बीज बोया है वैसे वृक्ष आते हैं। अगर हमने चीकू का बीज बोएंगे वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा बताओ? केले का पेड़ आएगा, वो चीकू का ही वृक्ष आएगा। अगर हमने नीम का बीज बोएंगे वहां क्या सदरक आएगी? वो वही वृक्ष आएगी। इसलिए हमने जीवन में जो कुछ कर्म किया है समझना अपना कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं, किसी को पर कभी दोष मत लगा। देखो वहां पे कथा सुनाया था, आपके एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ये सही है कि जो कल्याण को पत्रिका है ना वो पत्रिका में कथा आई थी। जब एक समय दो व्यक्ति बिजनेस के लिए गए, वो एक व्यक्ति था खड़गपुर बंगाल में एक जगह है और एक व्यक्ति था राजस्थान का, दोनों ही पैसा वाले थे। दोनों ने सोचा अगर मिल करके बिजनेस करके पैसा मिला करके हमारा बिजनेस बढ़िया चलेगा। जो राजस्थान का व्यक्ति था उसने जो खड़गपुर का व्यक्ति उसको उन्होंने पैसा दे दिया सारे विश्वास करके, लेकिन ये पैसा ऐसे की वस्तु है ना वो बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी खराब कर देती है। उसने देखा, उसने तो पैसा मेरे को दी लेकिन ये किसने देखा ही नहीं, हम किसी तरह से इसको खत्म कर देता हूँ, फिर तो सारे पैसा का मालिक नहीं बन जाऊंगा। उसने तो पकौड़े वालों के पास में गया, बोले देख भैया मैं तेरे को 1 लाख रुपया दूंगा, एक काम कर सकता हूँ? बोले बताओ। बोले हम दोनों व्यक्ति
पकौड़ा खाने के लिए आया हूँ। मेरे को तो अच्छा पकौड़ा खिलाना और मेरे दोस्त को उसमें जहर मिला करके खिला देना, तेरे को 1,00,000 रुपया दूंगा। अगर ये पकौड़ा वाला को 1,00,000 रुपया दो तो बोले माला माल हो गया, बोले कोई चिंता मत करो, वो भी बात में आ गया। उसने किया क्या, ठीक उसने भेड़ी से कर लिया। उसको पता चला इसको तो जहर का पकड़ा खाया, विद्यार्थ से नाल गया, अब उसको घर में ले गया। अभी उल्टी दस्त करते करते उसने प्राण छोड़ दिया और किसी तरह से उसका शरीर को उसने कहीं गायब कर दिया। जब कर दी बहुत पैसा हो गया, इसने बड़ा सुंदर एक मकान बनाया। लोगों ने सोचा शायद ये बिजनेस करने के लिए गया था, बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ, इसका लाभ हुआ है। अब उसको घर में एक सुंदर बच्चा हुआ। अभी बच्चा धीरे बड़े 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 होते होते जब उसने बड़ा हुआ, जब उसकी शादी हुई, जिस दिन से उसकी शादी हुई उसी दिन से ही वो व्यक्ति बीमारी में गया, एकदम शज्जाशायी हो गया और किसी तरह से शज्जा से उठ नहीं पा रहा है। अभी डॉक्टर को दिखाते दिखाते जितना पैसा सारी खत्म, अभी मरने वाला है, पूरा परिवार चाहे गिरे हुई। देखो इतना दिन तक कभी खड़ा नहीं हो पाया, बैठा नहीं पाया, ठीक मरने से पहले अच्छा आदमी जैसे बैठ गया, एकदम बढ़िया बढ़िया आदमी जैसे बैठ गया और बोलना शुरू कर दिया। अभी तक तो वो बोल नहीं पा रहा था। उसने कहा देखो मेरा नाम ये है, मेरा घर राजस्थान में था, हम ये दोनों व्यक्ति हम बिजनेस करने के लिए आए थे, इसको पूछो मैंने 1,00,000 रुपया ये व्यक्ति को दिया और उसने मेरे को जहर खिला करके मेरे को खत्म कर दिया, इसलिए मैंने इसकी प्रतिशोध लेने के लिए इसका मैंने बेटा बन करके आया। और जितने पैसा उसने मेरे से लिया था, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसको साथ में मैंने सारे पैसा खत्म कर दिया, मेरी बीमारी में चली गई, थोड़ी सी पैसा रह गई अंतिम क्रिया करने के लिए। ये व्यक्ति को पूछो इसको, ये व्यक्ति किया कि नहीं मेरे साथ, पूछो इसको। उसने कहा हाँ मैंने किया है, मैंने ये काम किया। अभी सब लोगों ने फिर प्रश्न की, बोले ये बताओ जब तक जब से तुमने शादी की तुम्हारी पत्नी अभी क्या करेगी, अब तो मर जाओगी, जब से शादी किया तब से बीमारी क्यों पड़ी। बोला कि मेरी जो पत्नी है ना, मेरे को जिसने पकौड़े में जहर बना कर खिलाया था, ये मेरी पत्नी बन कर गया है, अभी जिंदगी भर उसको विधवा रहना पड़ेगा। ये कल्याण की कथा है, ये सही घटना है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं देखो जीवन में जो कुछ आता है ना, अपना कर्म का फल मान करके भोग लो, हंसते हंसते वो चीज को भोग लो, है हंसते हंसते उसको भोग लो, लेकिन भगवान की भजन कभी मत छोड़ा करो, प्रभु की भक्ति कभी मत छोड़ो, क्योंकि भक्ति में इतने शक्ति है। वाल्मीकि जैसे पहले दशरथ रत्नाकर था, इतना बड़ा पाप पापी था, जब नारद जी बोले राम बोलो, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ इतना तो बोल सकते हो। इसलिए उल्टा नाम जपत जब जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, चलो मरा मरा बोलते बोलते उसने वाल्मीकि बन गया। और भगवान आने से पहले उन्हें राम उन्होंने रामायण लिखे। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जीवन में जो कुछ आता है भोग करते रहो, भगवान की भजन करते रहो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर कर दो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। इसलिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देखो अगर हम किसकी भलाई नहीं कर सकते हैं, कभी किसकी बुराई भी मत करो, ये चीज को अच्छे तरह से ध्यान रखो, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल एक दिन हमें भोगना पड़ता है।
इसलिए कर्म करते समय सावधान से हमें अपना कर्म करनी चाहिए। देखो और एक दो बात बता देता हूँ, जैसे हम भक्ति करते हैं, कभी कभी भक्ति करते करते अगर थोड़ी मोटी कोई दुख आ जाएगा, हम कभी कोई बिलबिला जाते हैं।